हेलो एवरीबॉडी सॉरी फॉर दिस स्किन स्क्रीन वेल इट इज़ जस्ट फॉर द एड ऑफ द स्क्रीन रिकॉर्डर आई एम यूजिंग एंड येस वेलकम बैक टू एंजॉय लिटरेचर अगेन सो आज हम कुछ नया टॉपिक उठाने वाले हैं दैट इज़ ट्विन वर्ड्स ये कुछ सिंपल वर्ड्स की तरह नहीं है जैसे हम करते हैं जैसे हमने अभी तक तो कर रहे हैं सिंपल वर्ड्स जैसे आउस्ड या हम जैसे मैं अब न्यू वर्ड्स करवा रही थी टिल नाउ न्यू फ्रेजिज एंड ऑल बट आज हम ट्विन वर्ड्स करेंगे ट्विन वर्ड्स कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिन जिनको हम एक साथ ही बोलते हैं मतलब उन हमें उनका मीनिंग देखते ही नहीं समझ आता कई बार और जो मैं मैं इलेवन ट्विन वर्ड्स करवाऊँगी और हो सकता है आपने उनमें से कोई करे भी हो और कुछ क्या पता आपके लिए नए हो अगर आपने किए हैं तो देट वुड बी रिविजन फॉर यू और अगर नहीं किए सो देट वुड बी अ न्यू चार्म फॉर यू ओके सो लेट स्टार्ट जो पहला है वो है टुथ एंड नेल टुथ एंड नेल से मतलब है जी जान से कोई काम हम जी जान से करते हैं जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है आई नो योर ब्रदर फोर्ट टू एंड नेल टू हैव इट मुझे पता है कि तुम्हारा भाई जी जान से लड़ा इस चीज़ को हासिल करने के लिए नेक्स्ट है कि uh, उन्होंने जी जान से मेहनत करी वो जी जान से लड़े लेकिन वो मैच नहीं जीत पाए दे फोर्ट टू एंड नेल टू विन द मैच वो जी जान से लड़े मैच को जीतने के लिए बट अनफॉर्चुनेटली दे लॉस्ट इट लेकिन उन्होंने वो जीत नहीं पाए नेक्स्ट है थिक एंड थिन थिक एंड थिन देखते नहीं समझ आता है वैसे इसका क्या मतलब है लेकिन इसका मतलब है अच्छा और बुरा वक्त हम थिक का यहाँ पे थिक का मतलब है अच्छा और थिन का मतलब है यहाँ पे बुरा और हम लगा रहे हैं अच्छा और बुरा वक्त और इसका एग्जाम्पल है कि एक ट्रू फ्रेंड वही है जो कि अपने फ्रेंड की अच्छे और बुरे वक्त में सहायता करे और जो उसको सपोर्ट करे अ ट्रू फ्रेंड इज़ द वन हु सपोर्ट्स हिज फ्रेंड इन थिक एंड थिन टाइम्स नेक्स्ट है प्रोज एंड कॉन्स प्रोज एंड कॉन्स ये वैसे डेली इंग्लिश में हम इसे यूज़ कर सकते हैं मतलब आजकल ये बहुत ट्रेंडिंग वर्ड है प्रोज एंड कॉन्स ट्रेन वर्ड्स तो इसका वैसे मतलब है लाभ और हानियाँ या नुकसान एडवांट और डिसडवाटेजेस सो एग्ज़ाम्पल मुझे आ, मुझे इस साबुन की हानियाँ और लाभ बताओ एडवाटेज एंड डिसएडवाटेज़ेस बताओ लेट मी नो प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस सो नेक्स्ट है कि जब भी हम किसी शॉप पर जाते हैं तो हम उस शॉप पर कुछ ख़रीदने से पहले हम पहले उस उस चीज़ को हम परखते हैं जिससे अगर हम कोई किट खरीदते हैं तो पहले हम उसकी जिप खोल के देखते हैं वगैरह वगैरह तो इसी तरीके से मैंने एग्जाम्पल लिया कूलर का तो आई विल सी प्रोज एंड कॉन सबसे पहले मैं इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखूंगा एंड आफ्टर दैट आई विल बाय इट एंड देन बाय इट ओके नेक्स्ट है हमारा सोनर और लेटर सोनर और लेटर का हम मतलब uh, मतलब हम इसे जब यूज़ करते हैं जब हमें किसी चीज़ में कह रहा हूँ कभी ना कभी वैसे मैं इसे अपनी एक वीडियो में बता चुकी हूँ डेली इंग्लिश फ्रेजिज वाली में सो so, आप वहाँ जाके देख सकते हो वेर एज आई जस्ट पुट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन यू विल गेट ए प्लस इन एग्जाम सोनो और लेटर इफ़ यू वर्क हार्ड लाइक दिस मतलब तुम्हें ए प्लस मिल ही जाएगा कभी ना कभी अगर तुम ऐसे ही हार्ड वर्क जारी रखो यू विल गेट वट यू डिज़र्व सोनर और लेटर जो जो तुम डिज़र्व करते हो तुम्हें वो कभी ना कभी मिल ही जाता है नेक्स्ट है हमारे पास सिक एंड टायर्ड सिक एंड टायर्ड से मतलब है तंग आना जैसे हमें पता है इसको देखते ही हम समझ जाते हैं कि सिक एंड टायर्ड मतलब हम बीमार और हम थक चुके हैं देट मीन्स हम तंग आ गए हैं एग्जाम्पल है कि मेरी मम्मा मेरे भाई की कंप्लेंट से तंग आ गए हैं माई मम इज़ Uh, आजकल हम मम भी यूज करते हैं मोम की जगह ओके माय मम इज़ सिक एंड टायर्ड ऑफ माय ब्रदर्स कंप्लेंट्स माय फ्रेंड इज सिक एंड टायर्ड बिकॉज ऑफ टू मच होमवर्क टुडे मेरा मेरा फ्रेंड आज बहुत आया हुआ है किस वजह से इतने सारे होमवर्क की वजह से नेक्स्ट है मोर और लेस मोर और लेस इससे हमारा मतलब है तकरीबन तकरीबन जब हमें भी हमें कभी कहना हो ऑलमोस्ट तो हम वहां यूज करते हैं मोर है और लेस एग्जाम्पल है जैसे एलिगेटर्स और क्रोकोडाइल वो मैक्सिमम सेम ही होते हैं ऑलमोस्ट सेम होते हैं तो हम वहां यूज करते हैं मोर और लेस द सेम द सेम मैंने इसलिए लगाया टू मेक द सेंस क्लियर एलिगेटर्स एंड क्रोकोडाइल्स आर मोर और लेस द सेम नेक्स्ट है राम एंड श्याम आर मोर और लेस तो सही मतलब वो एक ही जगह देखते हैं ऑलमोस्ट इट मे बी की वो ट्वेंथ है ओके ओके नेक्स्ट है हमारे पास वियर एंड टीयर वियर एंड टीयर वैसे बहुत ही सिंपल है आजकल हम इसे बहुत जगह यूज़ करते हैं मेनली हम इसे यूज करते हैं टायर्स के घिसने के चक्कर में वैसे हम इसे डिफरेंट डिफरेंट मतलब ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से यूज़ करते हैं जैसे अगर कोई ग्लास है तो वो ग्लास टूटेगा या फूटेगा मतलब टूटना फूटना अगर कोई टायर है वो घिसेगा तो घिसना और अगर कोई कपड़ा है तो वो फटेगा तो हम वहाँ यूज़ करते हैं वियर एंड टीयर एग्जाम्पल है, है फ्रिक्शन गोजेज़ वियर एंड टीयर ऑफ टायर्स मतलब टायर्स का जो घिसना होता है वो किससे होता है फ्रिक्शन से ओके सर नेक्स्ट इज़ माइंड योर पीस एंड क्यूज़ रियली इंटरेस्टिंग बहुत इंटरेस्टिंग है दैट इज़ जुबान संभाल कर बात करना वेल well, ये माइंड योर पीज एंड क्यूज आया है पी से मतलब हमारा है प्लीज और क्यू से हमारा मतलब है थैंक यू तो मतलब कुछ ऐसे मैनर्स वाले वर्ड को हम यहाँ उसकी शॉर्ट फॉर्म लगा लो अगर आप देखते हो पीज एंड क्यूज़ वैसे मैंने यहाँ पे माइंड योर को मैंने कम्प्लीटली यूज़ करा है लेकिन आप अगर हम ट्विन वर्ड्स के हिसाब से देखें तो पीज एंड क्यूज़ ट्विन वर्ड्स हैं तो इसका मतलब ज़ुबान संभाल कर बात करना अगर आपका कोई फ्रेंड आपसे बहुत गलत तरीके से बात करता है इफ़ योर फ्रेंड इज़ टॉकिंग इन वेरी बैड मैनर तो आप उसे रिप्लाई कर सकते हो इन टर्न एज प्लीज़ माइंड योर पीज़ एंड क्यूज़ सो वेल दिस इज़ द रिप्लेसमेंट ऑफ माइंड योर टंग और माइंड योर मैनर्स दैट मीन्स माइंड योर टंग जब भी हम माइंड योर टंग बोलते हैं या फिर माइंड योर मैनर्स बोलते हैं हम उसकी जगह एक नया नया ट्विन वर्ड यूज कर सकते हैं दैट इज पीज एंड क्यूज सो आर नेक्स्ट इज स्पिक एंड स्पैन स्पिक एंड स्पैन का मतलब है एकदम साफ चकाचक क्लीन एंड टाइडी जैसे नंबिताज हाउस वो स्पिक एंड स्पैन नंबिता का जो हाउस है बिल्कुल एकदम साफ था चकाचक क्लीन एंड टाइडी ओके और एग्जाम्पल और क्या हो सकता है कि शी ऑलवेज वीअर स्पिक एंड स्पेन क्लॉथ्स वो हमेशा एकदम साफ कपड़े ही डालती है ओके okay, नेक्स्ट है हमारे पास टेक इट और लीव इट पढ़ने से ही समझ आता है लो या ना लो या फिर हम कह सकते हैं कोई मोल नहीं आपकी मर्जी लो या ना लो जैसे कि ये टी वी बीस हज़ार का है टेक इट और लीव इट दिस टी वी कोस्ट ट्वेंटी थाउजेंड टेक इट और लीव इट ये टी वी बीस हज़ार का है लो या ना लो ये आई फोन एक लाख का है लो या ना लो दिस आई फोन कोस्ट वन लैख ट और लीव इट इस हमने यहाँ पे कोस्ट और कोस्ट यहाँ पे हमने इसलिए लगाया क्योंकि ये सिंगल है और इट इज वी कैन से अ ट्रुथ वी आर सींग सो हम यहाँ पे प्रेजेंट यूज कर रहे हैं ओके सो आर नेक्स्ट इज हाई एंड ड्राई हाई एंड ड्राई से हमारा मतलब है मुश्किल सिचुएशन में होना या फिर बिना किसी मदद के ओके असहाय वी कैन से आई वॉज लिफ्ट हाई एंड ड्राई विदाउट मनी इन मॉल मतलब हम मॉल में खड़े हैं और हमारे पास पैसे नहीं हैं सो वी कैन से आई एम इन हाई एंड ड्राई सिचुएशन विदाउट एनी हेल्प सो इट वॉज अर लास्ट एंड थैंक यू हैव एन आई स्टे एंड येस डोंट फॉर गेट टू लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन आर वीडियो बिकॉज वी आर मेकिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू जस्ट मेक दिसज वीडियोज फॉर यू एंड येस प्लीज क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉर गेट टू हिट द बेल आई कैन on right side of subscribe button and please like share and comment thank you have a nice day see you soon bye bye